आज आपके सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और हम लॉकडाउन के तीसरे चरण में हैं, तो यह हमारा दायित्व बनता है कि हम अपना सर्वांगीण विकास करें। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो सक्सेस मंत्रा आपको इस कड़ी में क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर रियल नंबर्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो रियल नंबर्स को जानने से पहले हम इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स को जान लें कि मैथमेटिक्स वर्ड क्या है। व्हाट इज द मैथमेटिक्स? तो मैथमेटिक्स द वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैथमा। ये ग्रीक वर्ड मैथमा से बना है, जिसका मींस होता है नॉलेज, लर्निंग और स्टडी। नॉलेज, लर्निंग और स्टडी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड मैथमा से बना है, जिसका मींस होता है नॉलेज, लर्निंग और स्टडी। ओके, रिपीट किया। अगर इसको हम अपने ओन वर्ड में डिफाइन करें, व्हाट इज द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्या होता है? तो मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटी, पैटर्न और शेप्स। तो मैथमेटिक्स में हम नंबर्स की स्टडी करते हैं, क्वांटिटी की स्टडी करते हैं, पैटर्न की स्टडी करते हैं और शेप की स्टडी करते हैं। तो अब इस मैथमेटिक्स चैप्टर में, मैथमेटिक्स में हम चैप्टर लेके आए हैं रियल नंबर्स, जो कि क्लास 10th के, क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो इस रियल नंबर को हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ये रियल नंबर्स का एक फ्लो चार्ट है। तो यहां पर रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स के दो पार्ट्स हमने किए हैं, आर ऑफ टू पार्ट्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स के भी दो पार्ट किए हैं, आर ऑफ टू पार्ट्स, फ्रैक्शन एंड द इंटीजर्स। And integers are also up to parts, negative and whole numbers. And whole number are also up to parts, zero and the natural numbers. तो first of all हम discuss करेंगे zero. Zero क्या? What is the zero? तो zero क्या है? Zero is integers. Zero एक integers है. अगर इसको हम counting number में use करें, तो that means no object are present. माने कोई object present नहीं, तो उसको हम क्या करते हैं? जीरो। इसको सिंबल, इस सिंबल से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस सिंबल। अब जीरो एक इंटीजर्स है, इट कैन नाइदर बी नाइदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव। ना तो ये निगेटिव है और ना तो ये पॉजिटिव है। ना तो इसको निगेटिव इंटीजर्स कर सकते हैं जीरो को, ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स कर सकते हैं। ये वनली रिले रियल क्या है? नंबर्स है। रियल नंबर्स आर रियल इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है होल नंबर का, दैट इज द नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जो काउंटिंग, जितने भी काउंटिंग, ऑल द काउंटिंग नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। कैपिटल एन इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू एन। जितने भी जो 1, 2, 3 अप टू एन, सभी काउंटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल एन से। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है, हम आता है होल नंबर्स। होल नंबर क्या होता है? व्हाट इज द होल नंबर? तो होल नंबर दैट इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर का क्या होता है? सेट होता है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट होता है टुगेदर विद जीरो। जीरो के साथ नेचुरल नंबर को, के सेट को हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। अगर नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड कर, जीरो को ले लिया जाए, तो वो क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। तो इसको, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा W से। W इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू टू एन। तो होल नंबर को रिप्रेजेंट किए W से। ऑल द नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो को हम ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है? होल नंबर। नेक्स्ट हम आते हैं निगेटिव। अब देखो बेटा, निगेटिव को समझने से पहले हम समझते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स इज ए होल नंबर, दैट नॉट ए फ्रैक्शनल नंबर। ये फ्रैक्शनल नहीं होते,
ये क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, दैट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो सकता है, इंटीजर्स क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ओके, आर जीरो हो सकता है। इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो इस तरह हम इंटीजर्स को पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ये सभी का, तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, जेड इक्वल टू माइनस एन, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, अप टू एन, हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। तो इसमें निगेटिव इंटीजर्स भी है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी है और जीरो इंटीजर्स भी है। नेक्स्ट वन हमारा है निगेटिव, तो निगेटिव इंटीजर्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड माइनस इक्वल टू माइनस एन, माइनस टू, माइनस वन, दैट इज निगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं जो है फ्रैक्शन, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इज यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर। ये होल नंबर का क्या होता है, एक पार्ट होता है जो कंसिस्ट होता है दो पार्ट्स में, दैट इज द कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट, दैट इज द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल वन अपॉन टू, वन अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री एंड सो ऑन। तो ये सभी जो है फ्रैक्शन नंबर्स को इंडिकेट करते हैं। हियर वन इज द न्यूमरेटर, टू इज द डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ ए होल नंबर। तो फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ ए होल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेशनल नंबर्स। तो देखो रेशनल नंबर्स क्या होता है, व्हाट इज द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। A number is said to be rational. कोई नंबर रेशनल नंबर कब होगा, if it can be written in the form p upon q. अगर इसको p upon q के फॉर्म में लिखे and q is not equal to 0 और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जहां पर p and q आर को प्राइम, p और q क्या होता है, को प्राइम होता है। Here को प्राइम means क्या होता है, what is the को प्राइम। तो बेटा को प्राइम्स मींस होता है देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, जिसका कोई कॉमन फैक्टर वन के अलावा ना हो उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। आर द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स दैट इज द वन इज कॉल्ड ए को प्राइम। तो पी और क्यू यहां पर को प्राइम है, इट मींस दैट कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, दैट इज द रेशनल नंबर। नेक्स्ट वन द इरेशनल, इरेशनल नंबर That is the just opposite of the rational. ये rational का क्या होता है, just opposite होता है। जैसे कि rational को हम p upon q के form में लिख सकते हैं, q is not equal to zero, but irrational को p upon q के form में नहीं लिख सकते और q is not equal to zero. It can't written in the form p upon q and q is not equal to zero. So, for example, rational number का irrational का हम example अगर देंगे तो root 2, root 3, root 5 and so on. तो ये irrational होगा। It can't written in the form p upon q and q is not equal to zero. That is called a irrational number. Next हम topic पे आते हैं real numbers. तो what is the real numbers? तो the collection of all the rational numbers and the irrational numbers is called a real numbers. तो आज mathematics के real numbers chapter में हमने real numbers के topic को पढ़ाया और next lectures में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। और तब के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।